नमो नमः सर्वेषां स्वागतम्। आप सभी का स्वागत है। अद्य अहम् सर्वे मध्ये संस्कृत विषय आनयतु अस्मि। आज हम आप सभी के बीच संस्कृत विषय लेकर आया हूँ। एवं कक्षा दशम च तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य, मतलब कक्षा जो है, क्लास जो है, वर्ग जो है, दशम है अर्थात टेंथ क्लास है, और तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ है हम लोग का व्यायाम सर्वदा पथ्य, मतलब इस पाठ का नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्य। देखिए व्यायाम सर्वदा पथ्य का मतलब क्या होता है। देखिए व्यायाम का मतलब होता है व्यायाम, और सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, और पथ्य का मतलब होता है लाभप्रद अर्थात कल्याणकारी। मतलब व्यायाम हमेशा कल्याणकारी होता है, लाभप्रद होता है, अतः हम लोग को हर रोज व्यायाम करनी चाहिए। तो इस पाठ में हम लोग का व्यायाम से संबंधित ही पढ़ना है कि व्यायाम क्यों, ये क्यों करना चाहिए और क्या क्या लाभ होते हैं व्यायाम करने से। ठीक है, तो आगे चला जाए। देखिए ये तृतीय पाठ के, ये पहले मैंने कक्षा दशम के प्रथम पाठ को अंत किया था, फिर द्वितीय पाठ को समझाते हुए अंत किया था। आज मेरा ये तृतीय पाठ है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। तो सबसे पहले मैं आपकी बुक से अवगत कराता हूँ, यही आपका बुक है और इसी बुक से आपकी पढ़ाई करवाई जा रही है। देखिए ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको स्टार्ट करने से पहले, मैं इसको शुरू करने से पहले, मैं इसका श्री गणेश वो करने से पहले मैं आपके पाठ परिचय कराता हूँ। श्री गणेश ये करने का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। ठीक है, देखिए प्रस्तुतो अहम पाठ आयुर्वेदस्य ये प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा संस्था ने वर्णित चतुर्विशाध्यायात समृद्धो अस्ति। मतलब हुआ कि ये प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के ये प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। ठीक है, अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। मतलब इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। और आगे है, ये प्रमुख ये न शरीर सौठम कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम च इत्याद्यः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। मतलब शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। यानी व्यायाम करने से ये सब जो है ये प्रमुख लाभ है। ठीक है, अब हम लोग अपने लाइन में चला जाए। देखिए तो ये जो संस्कृत लिखा हुआ है यह संस्कृत आपके बुक का है। ठीक, और मैंने ये सब, ये जो संधि है मैंने आपको समझने के लिए तोड़ तोड़ के लिखा है। जो शब्द बड़ा था उसको उच्चारण के वो करने के लिए, आपको समझने के लिए मैंने इसका संधि किया है और समझाया है। फिर मैंने इसी का अन्वय किया है, अन्वय इसलिए किया है ताकि इसका अर्थ जो है साफ साफ स्पष्ट हो सके। ठीक है, अब देखिए मैंने तो अर्थ को समझाने के लिए ये किया, अन्वय किया, अब मैं फिर इसको समझाने के लिए एक तरह से और मैंने इसका शब्दार्थ लिख दिया हूँ। देखिए शब्दार्थ है, ये यहाँ संस्कृत है, यहाँ इसका हिंदी है। ठीक है, ताकि आप समझ सके, यानी आपको समझाने के लिए हर तरह से कोशिश किया गया है। देखिए चला जाए, अब इसको पढ़ा जाए। देखिए शरीर रायास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विनियत समंततः। मतलब हुआ शरीर प्लस आयास जन्म, ये जो है इसको हम तोड़ दिए हैं, शरीर प्लस आयास जन्म तत् प्लस कृत्वा इसको हम तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इसका अन्वय देखिए हम कैसे किए हैं। शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर का मतलब शरीर है ना, आयास जन्म का मतलब होता है परिश्रम किए हुए, मेहनत किए हुए, इस शरीर से मेहनत किए हुए, इस शरीर से परिश्रम किया गया। ठीक है, व्यायाम का मतलब
एक्सरसाइज व्यायाम और असंगीतम का मतलब कहलाता है, मतलब शरीर के द्वारा मेहनत किया गया ही व्यायाम कहलाता है। ठीक है, शरीर के द्वारा मेहनत किया गया ही व्यायाम कहलाता है। आगे है, तब कृत्वा समन ततः तुम सुखम देहम विमृत न्याय। तब कृत्वा का मतलब होता है उसको करके, है ना, और समान ततः का मतलब यहाँ लिखते हैं पूरी तरह से, मतलब उसको करके पूरी तरह से, सुखम मतलब सुखी हुई, माने सुखा, ठीक है, देहम माने सुखी हुई शरीर, है ना, सुखी शरीर। विमृत न्याय का मतलब हम लिख दिया है कि मालिश करनी चाहिए, मतलब उसको करके अच्छी तरह से, यानी एक्सरसाइज को करके अच्छी तरह से सुखी हुई शरीर को मालिश करनी चाहिए, सुखी हुई शरीर पे तो आयल से मालिश करनी चाहिए, समझ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे लेते हैं टॉपिक को, देखिए अब आ जाए हम लोग ये द्वितीय भाग पे। दूसरा भाग क्या है देखिए, शरीर रोग कांति का प्रणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित मनालस्यम स्थितम लाघवम रिजा। अब इसका हमने संधि विच्छेद किया है, फिर अन्वय किया है, फिर अर्थ किया है। सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद देखा जाए, देखिए शरीर रोपचय, ये है आपका शरीर रोपचय, शरीर रूपचय को हमने तोड़ा है, शरीर प्लस उपचय, फिर कांति गात्राणाम, तो कांति प्लस गात्राणाम, फिर दीप्ताग्नित मनालस्यम, तो दीप्त प्लस अग्नित्वम प्लस अनालस्यम। अब इसका हम लोग अन्वय के साथ अर्थ किया जाए, देखिए अर्थ में है शरीर रूपचय गात्राणाम कांति सुविभक्तता, शरीर रूपचय शरीर प्लस उपचय, शरीर का मतलब शरीर बॉडी, उपचय का मतलब वृद्धि, यानी व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है, अब क्या होता है देखा जाए, गात्राणाम कांति या कांति गात्राणाम, तो कांति का मतलब होता है चमक और गात्रम का मतलब शरीर होता है, तो इसके बाद शरीर की चमक होती है, चमक बढ़ती है शरीर में, यानी व्यायाम करने से ये शरीर चमकता है, ठीक है, शाइनिंग बढ़ जाती है शरीर की। आगे देखिए फिर सुविभक्तता, सुविभक्तता का मतलब होता है शारीरिक सौंदर्य, इसके साथ साथ शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ जाती है। आगे देखिए, अरे दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थितम लाघवम रिजा, तो दीप्त अग्नित्वम को का हमने शब्दार्थ लिखा है, देखिए जठ राग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, यानी पाचन शक्ति का बढ़ जाना, यहाँ पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। फिर अनालस्यम, जो आलस होता है वो दूर भागता है, यानी एक्सरसाइज करने से आलस जो है दूर भागता है, पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। और आगे है लाघवम मिर्जा, लाघवम मिर्जा है, लाघवम का मतलब होता है हल्कापन, और मिर्जा का मतलब होता है स्वच्छ करना, यानी हल्कापन, और तीनों दोषों की शुद्धि होती है, तीनों दोषों की शुद्धि होती है। अब आगे हम लोग चलते हैं ये तीसरा नंबर भाग, अब हम लोग ये तीसरा श्लोक को यानी तीसरा भाग को देखा जाए इस पाठ का, इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसका उच्चारण किया जाए, ठीक है, ये उच्चारण कैसे किया जाता है, शुद्ध शुद्ध इसका उच्चारण किया जाए, फिर इसका संधि किया जाएगा, संधि विच्छेद किया जाएगा, फिर अन्वय किया जाएगा, फिर इसका अर्थ किया जाएगा, तो उच्चारण करने के लिए सीखा जाए। देखिए हम पढ़ते हैं, श्रम कलम पिपा सुश्रा सीता दीनाम सही श्रुता आरोग्यम चापी परमम व्यामा दुख जायते, ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, श्रम कलम पिपा शोषण सीता दीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापी परमं व्यामा दुख जायते, ठीक है। अब इसका हम लोग जो बड़ा बड़ा शब्द है उसका हम लोग संधि कर दिया जाए, पिपा शोषण तो पिपासा प्लस उष्ण, ठीक है, सीता दीनाम, देखिए सीता दीनाम यहाँ है सिद्ध प्लस आदिनाम, ठीक है, व्यामा दुख जायते मतलब व्यायाम प्लस उप जायते। अब देखिए इसका हमने अन्वय किया है, और अन्वय की सहायता से अर्थ किया जाएगा, और अन्वय और शब्दार्थ की सहायता से अर्थ इसका निकाल लिया जाएगा, हम लोग का ये आसान हो जाएगा। देखिए श्रम कलम पिपासा उष्ण सीता दीनाम सही श्रुता, मतलब श्रम का मतलब होता है, ये श्रम का मतलब होता है काम मेहनत, ठीक है, और कलम का मतलब हम लिख दिए हैं थकान, पिपासा का मतलब लिख दिए हैं प्यास, और उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और सीता दीनाम शीत का मतलब ठंडा जानते हैं, तो मेहनत की थकान प्यास गर्मी सर्दी आदि सहने की शक्ति हो जाती है, मतलब व्यायाम करने से हम लोगों को ये
ये ये ये जो थकान होता है, जो प्यास होता है, जो प्यास लग जाता है हम लोग को, जो गर्मी है, सर्दी है आदि, ये सब मौसमों में हम लोग का सहने की शक्ति बढ़ जाती है। कैसे? व्यायाम करने से। अब देखिए आगे, परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। परमम का परमम आरोग्यम का मतलब होता है कि उत्तम आरोग्य, है ना, उत्तम आरोग्य। च अपि, च का मतलब और अपि का मतलब भी होता है। व्यायाम मतलब होता है व्यायाम से, ठीक है। तो उत्तम आरोग्य व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। उपजायते का मतलब उत्पन्न होता है अथवा प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हुआ कि मेहनत कि ये एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से मेहनत की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि आदि सहने की कैपेसिटी हम लोग की बढ़ जाती है, ठीक है। और उत्तम आरोग्य व्यायाम से ही उत्पन्न होता है अर्थात प्राप्त होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग ये चौथा नंबर यानी चतुर्थ भाग को देखा जाए। अब हम लोग देखा जाए चतुर्थ भाग पे यानी चतुर्थ श्लोक। जैसे हम लोगों ने ये पहला पढ़ा है, द्वितीय पढ़ा है, तृतीय पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार अब ये चतुर्थ भी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका उच्चारण किया जाए। इसका उच्चारण कीजिए, हम बोलते हैं सबसे पहले शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते हैं, इसके बाद आप लोग कीजिएगा। देखिए, च चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम् न च व्यायामि मर्द मर्द अंतर्यो बलात्, ठीक है। अब इसका मैंने संधि विच्छेद किया है, किंचित स्थौल्यापकर्षणम्, किंचित प्लस स्थौल्य प्लस अपकर्षणम्, फिर इसका हमने कर दिया है मध्यम अध्ययन्ति प्लस अर्य। अब इसका देखिएगा अन्वय है, इसका अन्वय के साथ अर्थ किया ये किया जाएगा। अन्वय है स्थौल्य अपकर्षणम् तेन सदृशं किंचित् न अस्ति, मतलब अधिक मोटापा को दूर करने के लिए उसके समान कोई नहीं है। किसके समान? व्यायाम के समान, मतलब अधिक मोटापा को दूर करने के लिए एक्सरसाइज के समान, व्यायाम के समान कोई दवा नहीं है, ठीक है। अब है मर्त्यम व्यायामिकम अर्यह बलाद न अर्दयन्ति, ठीक है, यानी मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ यानी मरणशील व्यायाम करने वाले इंसान को दुश्मन ताकत से कुचल नहीं सकता। मतलब ये हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो आदमी एक्सरसाइज किया हुआ है, जो आदमी ये जो व्यायाम है वो किए हुए है, वो अपने लास्ट स्टेज में भी अगर पहुंचता है तो उसको ताकत के बल पे जो शत्रु होते हैं वो दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा व्यायाम को बताया गया है, इतना व्यायाम को मजबूत बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखा जाए ये पंचम भाग पे, पांचवा भाग, ठीक है, इस पाठ का, है ना, ये पांचवा श्लोक है, इस पे देखा जाए। सबसे पहले हम लोग इसका उच्चारण किया जाए। देखिए उच्चारण कीजिएगा, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधि रोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायाम फिर तस्य च, ठीक है। इसका संधि विच्छेद वो हम कर दिए हैं। संधि विच्छेद देखिएगा, सहसा क्रम्य का मतलब होता है सहसा प्लस आक्रम्य, और व्यायाम भीतस्य कम संधि किए हैं व्यायाम प्लस अभितस्य। अब इसका हम लोग अन्वय किया जाए, ठीक है, और शब्दार्थ की सहायता से इसका अर्थ किया जाएगा। देखिए, इनम च सहसा आक्रम्य जरा न समधि रोहति, मतलब हुआ, देखिए आक्रमण का मतलब होता है हमला करके, तो इन पर अचानक बुढ़ापा हावी नहीं होता है, मतलब इन पर एकाएक बुढ़ापा हावी नहीं होता है। किन पर? तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर, एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति पर जो बुढ़ापा होता है एकाएक हावी नहीं होता है, ठीक है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं व्यायाम करने से। आगे देखिए, व्यायाम अभिरतस्य च मांसम स्त्री भवति, मतलब और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले यानी एक्सरसाइज में लीन रहने वाले पहले का जो हड्डी और मांस होता है वो स्थिर होता है अर्थात मजबूत होता है। मतलब जो लोग एक्सरसाइज में व्यायाम में ये हमेशा लीन रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, उनका हड्डी मसल्स जो होता है वो बहुत मजबूत होता है,
ठीक है। अब आगे नंबर हम चलते हैं। अब हम लोग का ये षष्ठ नंबर श्लोक है, यानी षष्ठ भाग है इस पाठ का, और इसके बाद हम लोग ये संधि और शब्दार्थ के सहायता से इसका हम लोग अर्थ किया जाएगा, ठीक है। और शब्दार्थ हम यहाँ पे इसलिए ये लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग का स्पेस नहीं था, यानी जगह नहीं थी, इसीलिए हमने इसको नीचे लिखा है। देखिए इसका उच्चारण किया जाए, व्यायाम अश्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोप सर्पन्ति वन्तेय मि ओरगा वयो रूप गुणे हिना अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अब इसका हम लोग संधि किया जाए। देखिए सबसे पहले हम पदभ्याम उद्वर्तितस्य को ये संधि किए हैं, यानी तोड़े हैं आपको समझने के लिए, उच्चारण करने के लिए, पदभ्याम प्लस उद्वर्तितस्य। फिर आगे देखिए वयो रूप गुणे हिना मपि को हम तुरे हैं, तो वयो रूप गुणे प्लस हिनम प्लस अपि। अब हम लोग इसका ये देखा जाए कि अर्थ, ठीक है। तो व्यायाम अश्विन गात्रस्य का होता है, अश्विन गात्रस्य का मतलब होता है पसीने से लगभग, यानी ये जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो जो व्यायाम करते हैं और व्यायाम करने से जो पसीना आता है और पसीना से लथपथ हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्विन गात्रस्य। संस्कृत में स्विन गात्रस्य का मतलब होता है पसीने से लथपथ। अब देखिए पदभ्यामुद्वर्तितस्य, ठीक है, पदभ्यामुद्वर्तितस्य का मतलब होता है कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले। मतलब ये हुआ देखिए कि व्यायाम अश्विन गात्रस्य ये पदभ्यामुद्वर्तितस्य च वर्तितस्य च व्याधयो नोप सर्पन्ति वन्तेय मि ओरगा। मतलब ये हुआ कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में सर को नीचे कर देते हैं और पैर को दोनों ऊपर उठा देते हैं, तो ठीक वही बात कह रहा है कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास और पसीने से लथपथ, जब हम व्यायाम करते हैं और पसीने से लथपथ हो जाते हैं तो ऐसे शरीर वाले के पास रोग नहीं जाता, ठीक है, ऐसे आदमी हमेशा स्वस्थ रहते हैं। फिर आगे देखिएगा व्याधयो नोप सर्पन्ति वन्तेय मि ओरगा। व्याधयो नोप सर्पन्ति, तो यहाँ पे वन्तेय का मतलब होता है वरुण, वन्तेय का मतलब क्या होता है वरुण, नोपसर्यन्ति, और उर्गा का मतलब होता है क्या सर्प, है ना। तो आगे देखिए कि जिस तरह गरुण के समीप, यानी जिस तरह ये गरुण के नजदीक कोई भी सर्प जाता नहीं है, यानी ये जो गरुण होता है ये मजबूत होता है, तो इसी के डर से ये जो सांप होते हैं उनके पास जाते नहीं है, ठीक उसी प्रकार वयो रूप गुणे अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। मतलब ये जो एक्सरसाइज होता है, व्यायाम होता है, ये व्यायाम करने से आयु, सुंदरता और गुण से रहित मनुष्य को सुंदर कर देता है, यानी व्यायाम करने से जो हम लोग का आयु है, उम्र है, एज है, और हम लोग का जो सुंदरता है और जो गुण है इसमें निखार आता है, ठीक है, और आयु हम लोग की ये बढ़ जाती है, और जो हम लोग का शरीर है ये स्वस्थ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे वाला देखिए, अब हम लोग का ये सप्तम है, सप्तम भाग यानी सप्तम श्लोक है इसी पाठ का। अब और इसके साथ ये अष्टम भी है, तो सप्तम अष्टम को हम लोग एक साथ देखा जाए, ये छोटा छोटा है इसलिए हम एक ही साथ करते हैं, और इसका यहाँ पे हम शब्दार्थ लिख दिए हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसका शुद्ध उच्चारण किया जाए, व्यायामं कुर्वतो नित्यं वृद्धमति भोजनं विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते, ठीक है। अब देखिए विरुद्धं प्लस अपि, विरुद्ध मति को अगर हम तोड़े हैं तो विरुद्धम प्लस अपि हुआ, मतलब आपको शुद्ध उच्चारण करने के लिए मैंने तोड़ा है, और विदग्धम प्लस अविदग्धम, देखिए विदग्धम का मतलब होता है पका हुआ भोजन और अविदग्धम का मतलब होता है अध पका भोजन, ठीक है।
तो अब इसका हम लोग ये अर्थ किया जाए, व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्ध मति भोजनम, मतलब हमेशा व्यायाम करने वाले मनुष्य का खराब भोजन जो होता है। अब आगे है, विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते, मतलब अच्छा पका हुआ या अच्छा न पका हुआ भोजन भी बिना नुकसान के पच जाता है। मतलब ये इसका कहने का अर्थ हुआ कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को ये पका हुआ भोजन या अध पका हुआ भोजन या ज्यादा पका हुआ ये जो भोजन होता है वो इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग व्यायाम करते हैं। अब देखिए आगे, व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिनाम स्किंद भोजिनाम सच सित्ते वसन्ते च तेषां पथ्यत्म स्मृत, है ना। इसके बाद आगे देखिएगा, इसका हम अर्थ किए हैं, निश्चय ही तेल में भीगा हुआ भोजन करने वाले बलशालियों का जो व्यायाम होता है सदा कल्याण कारक है। मतलब ये हुआ कि जो तेल से बना हुआ जो भोजन होता है, यानी आयलिक जो भोजन होता है जिसमें तेल ज्यादा होता है, वो लोग भी अगर एक्सरसाइज करने वाले आदमी होते हैं, जो व्यायाम करने वाले आदमी होते हैं, उनको ये हानि नहीं पहुंचाता है। उनका ये भी जो भोजन होता है, ये तेल में छना हुआ ये जो भोजन होता है वो पच जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यत्मा अस्मृत, मतलब और उस आदमी को जो लोग व्यायाम करते हैं, वो उस आदमी को सर्दी में और बसंत ऋतु में उनके लिए कल्याणकारक कहा गया है। मतलब व्यायाम करने वाले के लिए जो दो मौसम होता है वो ज्यादा कल्याणप्रद है। ये कौन कौन? ये सर्दी वाला मौसम और बसंत ऋतु, ये जो दोनों मौसम होते हैं बहुत फायदेमंद होते हैं एक्सरसाइज करने वाले को, और ये लोग इस मौसम में और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखा जाए, ये नवम भाग है और ये दसम भाग है, तो फिर इसका उच्चारण किया जाए और संधि और शब्दार्थ की सहायता से अर्थ किया जाएगा। देखिए हम उच्चारण करते हैं, सर्वेश पितुष्वर पुंधीरात भी बलस्याधीन कर्तव्यो व्यायाम हंत्यतो अन्यथा, मतलब सर्वेशु प्लस ऋतिषु प्लस अरह हम संधि किए हैं, सर्वेश ऋतुष वह रह को और पुंधी रात में हितैषी भी को, तो इसका हम संधि किए हैं, ये पुंधी प्लस आप हितैषी भी, फिर प्लस या अधेना को हम किए हैं प्लस से प्लस अधेना, अभी इसको हम कर दें हंति प्लस अंत प्लस अन्यथा। मतलब अब इसका हम लोग अर्थ किया जाए कि सर्वेश पितुष वह रह पुंधीरात हितैषी भी, मतलब ये होता है इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले जो हैं, मतलब वो जो स्वस्थ ये जो रहने वाले हैं उनको हर रोज हर ऋतुओं में एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी व्यायाम करना चाहिए। प्लस या धीना कर्तव्य व्यायाम हंत्यतो अन्यथा, मतलब ये होता है कि अगर वो लोग व्यायाम नहीं करते हैं या दो दिन चार दिन करके छोड़ देते हैं तो वो जो बल इकट्ठा हुआ है वो सब बल खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे वाला लाइन पे हम लोग देखा जाए, हम लोग इस दशम भाग को देखा जाए, सबसे पहले इसका उच्चारण किया जाए। देखिए उच्चारण करते हैं, हृदय स्थान स्थित वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतुः तद् पलाधस्य लक्षणम्, इसका अर्थ ये हुआ कि जब व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृदय में विद्यमान वायु मुख को प्राप्त होती है तब वह उसके आधे सामर्थ्य का लक्षण है। कहने का मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपना व्यायाम करते हैं तो हवा को अपने मुख से लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जब हम लोग हवा को अपने मुख से लेकर अंदर जाते हैं लेकर तब हम लोग का चेस्ट यानी छाती फूलता है, ठीक है। जब छाती फूलता है तब हम लोग को ये बल का आभास होता है, ठीक है। तो उसी बल को यानी अपने बल के आधे बल का आभास होता है कि अब हम बलवान हो गए हैं, अब हम मजबूत हो गए हैं, तो
तो वही वही इसमें बोल रहा है कि वह उसके आधे सामर्थ्य का लक्षण है, मतलब आधे बल का लक्षण बदलाता है। ठीक है, ये देखिए ये अब हम लोग का ये एकादश है, एकादश भाग यानी अंतिम भाग है, अंतिम श्लोक है इस पाठ का। ठीक है, इसको तो उच्चारण किया जाएगा, फिर संधि, फिर अन्वय, फिर इसका अर्थ किया जाएगा। देखिए उच्चारण कीजिए, वयोबल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्षस्य कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोग माप्नुयात्। ठीक है, अब इसका हम लोग संधि किया जाए तो देश काल प्लस असनानी यानी हुआ देश कलास नानी, है ना। ये हम आपको समझने के लिए ये दो भाग में तोड़ दिए हैं, यानी संधि किए हैं, संधि विच्छेद किए हैं, और फिर है व्यायाम अन्यथा, तो व्यायाम प्लस अन्यथा रोग रोग माप्नुयात रोगम प्लस आप नो याद कर दिए हैं। अब इसका अन्वय देखिए, वयो बल शरीराणि देश कलास नानि च समीक्षस्य व्यायाम कुर्याद अन्यथा रोगम आप्नुयात। मतलब हुआ कि आयु हमारे सबसे पहले हम लोग को एक्सरसाइज करने के लिए यानी व्यायाम करने के चाहिए, हम लोग को अपनी आयु देखना चाहिए। आयु का मतलब उम्र होता है, एज होता है। तो सबसे पहले हम लोग का ये जो एक्सरसाइज होता है, ये जो व्यायाम होता है, उसको करने के लिए अपने आयु को देखना चाहिए, अपने उम्र को देखना चाहिए, फिर अपने बल को देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपने शरीर को देखना चाहिए कि हम जो है एक्सरसाइज करने लायक हैं कि नहीं है, और कौन सा जो एक्सरसाइज होता है, कौन सा जो व्यायाम होता है वो हमारे ये करने लायक है कि नहीं है। इसके बाद देश काल देखना चाहिए। देश काल का मतलब हुआ कि हम किस जगह पे हैं, इस जगह पे हम लोग वो हम एक्सरसाइज ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस जगह पे हम एक्सरसाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और भोजन देकर व्यायाम करें। इसके बाद ये अपना भोजन भी अपना देखना चाहिए कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो उस लायक हमारा भोजन है कि नहीं है, यानी एक्सरसाइज करने के लिए ये सब चीज ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद ही हम लोग को एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर हम लोग इसको नहीं देखते हैं तब अन्यथा रोग को ये प्राप्त करेंगे, तब हम लोग उल्टा ही ये प्रतिक्रिया होने लगेगा, मतलब हम लोग रोगी हो जाएंगे। इसलिए एक्सरसाइज करने के लिए आयु, बल, शरीर, समय, देश, काल, भोजन सब देखना चाहिए, तब हम लोग को एक्सरसाइज करना चाहिए। तब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ये सब देख के तब हम लोग का एक्सरसाइज अच्छा होगा, और जो हम लोग का शरीर है ये मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का ये जो पाठ है यह समाप्त हुआ। अगर आपको इस पाठ में कहीं भी दिक्कत होता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट कीजिए कि यहाँ नहीं आया या यहाँ आया, या व्हाट्सएप नंबर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए और पूछिए, आपको आंसर दिया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।